एपिसोड की जो स्टार्टिंग है ना वो बहुत ज़्यादा शानदार है। एक्चुअली में हॉस्पिटल के अंदर एडमिट डेंजी को होना चाहिए था, एंड टीवी पर भी ये न्यूज़ आ रही होती है कि जितने भी पब्लिक प्रोटेक्शन या पब्लिक सेफ्टी के लिए डेविल हंटर्स राइड कर रहे थे वो लार्ज स्केल में मारे गए। एक्चुअली में ये सब कुछ गन डेविल की वजह से हुआ है, अक्की वहीं पर लेटा हुआ होता है। एक चीज़ और, ये चीज़ देखकर मुझे भी शॉक लगा था। एंड एक हाँ, डेंजी जो है ना वो एक इमॉर्टल की तरह है, एंड पावर भी। यहाँ पर हमें देखने जाता है कि जो पावर होती है वो फाइट करती है डेंजी के साथ, एंड सब लोग उसको देख रहे होते हैं। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग एक्चुअली में छोटे से एप्पल के लिए फाइट कर रहे होते हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा बिकॉज ऑफ कि ये मेरे पैसे का आया है। लेकिन ये दोनों फिर से लड़ने के बाद मान जाते हैं। अकी को एक सेब दे जाते हैं, ये तुम खा लेना जिससे तुम हेल्दी रहो। मतलब लेके क्यों आए थे? मेरे भी ये शायद हॉस्पिटल में ऑलरेडी रखा था, इसलिए वो उसे एक एप्पल छोड़कर चला जाता है एंड कुछ भी नहीं बोलता। वो फाइनली अकी जो होता है ना अपनी सॉर्ट की तरफ देखता है, एंड वो सॉर्ट की तरफ देखने के बाद ना उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है, एंड पीछे मॉन्स्टर आ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो ये सॉर्ट है ना एक्चुअली में इस मॉन्स्टर की बोन से बनी हुई थी, इसीलिए ये लाइटा चलाने की कोशिश करता है, एंड इसे हीमोनियो का फेस याद आता है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो चीज़ें वो इमेजिन कर रहा होता है ना, इस चीज़ को ना डेंजी बाहर से बैठ के देख रहे होता है, एंड वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो चुका था क्योंकि हीमोनियो ने उसकी वजह से अपनी जान गंवा दी। डेंजी उन आवाज़ों को सुन पा रहा होता है, एंड वो भी हीमोनियो को याद करता है। एक्चुअली में हीमोनियो ने उसे किस किया था, लेकिन फिर भी डेंजी सिर्फ एक ही मन में सवाल पूछता है, मैं रो क्यों नहीं पा रहा? यहाँ पर मैं बचपन से ही हमेशा रोते हुए आया हूँ, लेकिन मेरे आंसू जैसे जा ही चुके हैं। एंड यहाँ पे पुचिता को याद करता है। एक्चुअली में पुचिता ही नहीं, अपने जितने भी फ्लैशबैक उसके गए हैं उन सभी को याद करता है। वहीं पर वो पावर को भी देखता है जो कि पावर भी नहीं रो रही है, और लोगों के मरने पर शायद उनका अटैचमेंट किसी के साथ होता ही नहीं है। एक दिन अगर माकिमा भी मर जाए तो शायद इसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए शायद ये इमॉर्टल है। ये फेमे भी इनके अंदर डेविल्स की पावर है। यहाँ पे दो स्पेशल डिवीजन के लोग आते हैं जो कि अकी से मिलने आते हैं, एंड वो बताते हैं कि हमें स्पेशल डिवीजन 4 से बिलोंग करने आए हैं, एंड तुम्हें कोच भी। तो वो पूछते हैं कि तुम ये क्या एप्पल खाने वाले हो, नहीं तो हम ही खा लेते हैं। खैर यहाँ से वो दिखाया जाता है सीन माकिमा की तरफ, जिस पर वो बोलता है कि मैं चाहती हूँ कि तुम डिवीजन 4 की तरह इन्हें भी ट्रेन करो, एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के तरीके से, जैसे कि हीमोनियो को किया था, एंड यहाँ पर हीमोनियो के और भी साथियों को, जिस पर वो कहता है कि ठीक है मैं इन दोनों को ट्रेन करूँगा। वैसे भी मैंने कभी भी दो मॉन्स्टर्स को ट्रेन नहीं किया है, या फिर कहूँ दो डेविल्स को। एक्चुअली मैं यहाँ पर मिस माकिमा कहती है तुम्हारे हवाले ये दो गधे साथी हो। खैर यहाँ पर मैं दिखाया गया इस बंदे को जो कि आते ही डेंजियन पावर को गले लगाता है, और ऐसा गले लगाता है कि इनके कान के फर्दे फट जाते हैं, समझ गए होगे तुम लोग, एंड इसके बाद ये लोग की डेथ हो जाती है। फाइनली ये लोग वापस से अपने आप को रीहील कर लेते हैं, फिर रीजनरेट कर लेते हैं क्योंकि इनकी सांस जा चुकी थी, एंड वापस से ये लोग जिंदा हो जाते थे क्योंकि उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हारी गर्दन भी तोड़ दूँ तो भी तुम लोग जिंदा रहोगे, एंड एक चीज़ और, तुम एक लगभग इमॉर्टल हो, एंड ये लड़की भी मोस्टली इमॉर्टल ही है। इनको कहीं भी मार दो, कहीं भी से भी हो जाए, लेकिन ये जिंदा हो जाएंगे। तुम एक काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हो, तुम्हारा पावर बोलती है तुम्हारे ब्रेन में कुछ शायद बीमारी है, तुम उल्टा कुछ समझ रहे हो, हम वैसे नहीं हैं। एक्चुअली में इन लोगों को फाइट करने का मौका दिया जाता है कि वो फाइनली मतलब टोटली ये कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन यहाँ पे दोनों बंदे ना मिलके भी नहीं मार पा रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, तो एक के तो सर पे ही सीधे चाकू घुस आती है और एक के तो गर्दन पे कल चाकू लगते हैं। पावर की गर्दन पे चाकू लगते ही दोनों तड़पने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हील भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है अकी को जो कि अपने पावर को यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद वो कहता है कि मैंने तो वैसे कुछ नहीं देखा, क्या तुम किसी तरह का शो दिखाने वाले थे? यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये बंदा ना पावर्स को चेक करना चाहता था, हालांकि ये पूछता है कि तुम मुझे कोचिंग देने आए हो तो ये कैसा करोगे तुम लोग? खैर यहाँ पर मैं बता दूँ कि टोटली इन लोगों के जो बीच में बात हो रही होती है ना वो अकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अकी बिल्कुल ना बोलता है निकल जा, एंड साथ में वो ये भी बोलता है कि जिस डेविल ने मेरी फैमिली एंड मेरे पार्टनर को मारा मैं उस चीज़ को छोड़ कैसे दूँ, क्विट कैसे ही कर दूँ? एक्चुअली में वो बदला लेगा आगे चलकर, इसीलिए वो इस जगह पर अटका है। तभी एक लेडी आती है जिसे देखकर वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, एंड इस लेडी का फेस में दिखाया नहीं गया है, हो सकता शायद ये इसकी मॉम हो।
एंड उसके लिए वो काफी सारे लेटर्स भी लेकर आती हुई। वही दूसरी तरफ रात हो चुकी होती है एंड वो कहता है कि ठीक है अब अगली चीज हम लोग कल फाइट करना स्टार्ट करेंगे, अभी तुम लोग आराम करो। पावर एंड ये जो डेंजी होता है ना, इतनी बार हील हुआ होता है डेंजी अपने आप को जिसकी वजह से वो खुद ही पागल महसूस होने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया गया है पावर को जो कि उस पर बहुत ज़्यादा मार मारती है जिससे वो वापस से हील हो सके। एक्चुअली में वो उसको कॉन्शियसनेस में लाने की कोशिश कर रही होती है। दोनों ही डिस्कस करते हैं कि वो उस बुढ़ऊ को ख़त्म कर देंगे और इसके लिए उनको एक ही चीज़ करनी होगी, दिमाग से काम लेना होगा। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग उसके घर पहुँचने के पहले ही उसके घर पहुँच चुके होंगे यानी कि उसके अपार्टमेंट में, एंड वो लोग ऐसा करते भी हैं। वो उस अपार्टमेंट में पहले ही पहुँच जाते हैं और चश्मा पहन के वेट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि चश्मा पहन के वेट कर रहे होते हैं अंदर पावर और ऊपर की तरफ होती है डेंजी। इसके बाद हमें दिखाया गया पावर को जो कि अपना एक भाला बनाती है अपने ब्लड की पावर से एंड वो मारती है, लेकिन ये बंदा ना बच जाता है क्योंकि इनका कोच है। हालांकि इसने 4 डिवीजन के लोगों को ट्रेन किया है तो मामूली बंदा तो नहीं होगा। ऊपर भी ब्लड रखे होते हैं जिसको ये भाला के रूप में नीचे की तरफ डालती है एंड डेंजी भी पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक ज़बरदस्त किक के साथ इसकी मुंह की हड्डियाँ तोड़ देता है। इसके बाद ये वहीं पर गिर जाता है, हालांकि वापस से हील हो जाएगा लेकिन दर्द तो कितना ही होता है। वहीं पे हमें पावर को दिखाया गया कि उसने ब्लड का ज़्यादा यूज़ किया होता है इसलिए वो काफ़ी थक चुकी होती है एंड वो वहीं पर गिर जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया डेंजी को जो कि वापस से खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसके माथे पर चाकू आके घुसता है एंड इस चीज़ को देखने के बाद ना वो कहता है अपने दुश्मन को कभी भी मत छोड़ो एंड ट्रस्ट मत करो कभी भी। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया इन तीनों नमूनों को जो कि अकी भी होता है एंड अकी यहाँ पर आ रहा होता है किसी चीज़ से मिलने के लिए एंड वो क्या है वो तो हमें वहाँ पर देख कर ही पता चलेगा। अभी यहाँ से गेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा इवन मेरे लिए भी क्योंकि अभी इसका देखा नहीं हमने फेस। खैर यहाँ पे हमें दिखाया गया अकी को जो कि अभी भी उस लेटर के बारे में सोच रहा होता है जो कि शायद उसकी सिस्टर की तरफ से है एंड वो सभी लेटर्स को धीरे धीरे करके पढ़ना स्टार्ट कर देता है एंड इन लेटर्स को पढ़ने के बाद ही उसे रियलाइज़ होता है कि एक बार वापस जाना चाहिए, इसीलिए वो इस जगह पर आया हुआ है। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि इन दोनों नमूनों में से एक कोई जाता है एंड वो पासवर्ड भी इंटर करते हैं। इसके बाद वो अकी अंदर की तरफ चला जाता है जेल के एंड ये अंदर जाने के बाद ना ये लोग बाहर खड़े होकर कुछ देख रहे होते हैं। अब वो क्या है इस चीज़ देखने पर हमें पता चलता है कि अकी अंदर खड़ा है एंड एक आँख उसे देख रही है, मतलब माँ की डैश एंड डैश। एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एम पहला के नंबर बिल्कुल ना बुलाएं। फिलहाल मैं अजमेर में हूँ एंड इसके बाद मुझे और भी दूसरी जगह जब ट्रैवल करना है तो जो राहुल व्लॉग्स है उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू गाइस।